सो वेलकम टू डे नंबर 4। आज हम जानेंगे कि बिलीफ क्या होता है। तो बिलीफ कुछ इस तरह से उसको डिफाइन किया जा सकता है कि मान लीजिए आप जब छोटे बच्चे थे, आप बहुत ही ज़्यादा शरारती थे, हम सभी होते हैं, तो आप अपने माँ बाप की नहीं सुनते, आप अपने रिश्तेदारों की नहीं सुनते, आप हमेशा भागना चाहते हो, दौड़ना चाहते हो, लेकिन आप कभी कभी ऐसी जगह पर भी चले जाते हो कि जहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। तो आपको बचपन में बताया जाता है कि बंद कमरे में बिल्कुल मत जाना, वहाँ पर भूत होता है। देखिए, जब बच्चे बड़े होना शुरू हो जाता है तब हमेशा वो बंद कमरों से बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उस बंद कमरे में हमेशा भूत होता है। तो ये जो थॉट दिया गया है, उस थॉट को उस बच्चे ने उस टाइम पे एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट करने के बाद में उसने ये कभी एक्सपीरियंस भी कर लिया। और जब भी आपके लाइफ में जो कोई भी थॉट जब आपके एक्सपीरियंस पे उतरता है, तब आपका बिलीफ बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है। सो ये जो बिलीफ की कहानी है, ये बस मैंने बहुत छोटे शब्दों में आपसे डिस्कस की, आपको बताई। अगर बिलीफ के बारे में आप बहुत डिटेल में जानना चाहते हो कि बिलीफ हमारे लाइफ को किस तरह से ड्राइव करते हैं, कमेंट में बिलीफ लिखिएगा। अगला वीडियो इन डिटेल बिलीफ सिस्टम के ऊपर रहेगा। मिलते हैं डे 5 में। डे 5 में हम लोग जानेंगे क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सबकॉन्शियस माइंड का कुछ कनेक्शन है, जानेंगे डे 5 में।